मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं उस आदमी की देखभाल करूं जिसने जीवन में कुछ भी ना किया, एक पैसा जोड़ कर ना रख। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता था, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मेरा बेटा मेरे बापू से बेहद प्यार करता था, वो उनके बिना रह नहीं पाता था, इसलिए मुझे ईर्ष्या होने लगी। जितना मैंने उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, वो दोनों उतना ही करीब आते गए। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बापू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे, अपना गुस्सा अपने बापू पर नहीं निकाल पाए तो अपने बेटे पर निकालना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया मैंने। जानते हैं हम आपके बुरे व्यवहार से तंग आकर आपके पिता और पुत्र ने आपके बिना रहने का, आपसे दूर रहने का, आपको छोड़कर चले जाने का फैसला किया। शायद मैं इसी लायक हूं, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं बहुत बुरा हूं साई, बहुत बुरा। अब मुझे एहसास होने लगा है कि अपने प्रियजनों से अलग होकर कैसा लगता, कितनी तकलीफ होती है। मैंने बहुत बुरा किया साई, बहुत बुरा। आपका बेटा जल्द ही घर वापस लौट आएगा। और मेरे बापू नहीं आएंगे। आपके मुंह से यही सवाल सुनना चाहता था मैं। इससे सिद्ध होता है कि आपको अपने किए पर पछतावा है, अपने किए पर शर्मिंदा है आप। बाबा, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? बस यही मेरे लिए और बाबूजी अब यहां कैसे? लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं राहता में नहीं, यहां शिरडी में हूं? बेटा, मैं सुबह को लेकर के अपने भाई के घर चला गया था, फिर एक आदमी मेरे पास संदेश लेकर के आया कि तुम लोग शिरडी आए हुए हो। उसने मुझे यह भी बताया कि सुबोध के ना रहने पर तुम लोग का रो रो करके बुरा हाल है।
मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे मैं अपने बेटे को उसके बेटे से अलग कर सकता हूं। सबूत मेरे पास नहीं होता है तो कितनी पीड़ा होती है मुझे। पर तुम लोग तो उसके माता पिता हो। जब मुझे संदेश मिला तो मैं तुम लोगों से मिलने फौरन शिरडी आ गया। संदेश? हाँ। यही वो व्यक्ति हैं जो मेरे पास संदेश लेकर के आए थे। आप? मुझे साई ने ही भेजा था। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीर्ष झुकाए। मुझे समझ में आया, लोग आप पर इतना भरोसा क्यों करते? क्योंकि आप सबकी मदद जो करते, लोग सच ही कहते आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने कुछ नहीं किया है बाबूराव, उस मालिक ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ हमेशा प्रेम, हमेशा सद्भावना के साथ रहना। जी साई, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। पप्पू, मैं चाहता हूं कि अब से आप हमारे साथ रहें। इस तरह आपके पास अपने पोते के साथ समय बिताने के लिए ढेर सारा समय होगा। सुबोध, मेरा बच्चा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से हमारा परिवार एक हो गया। हमें आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। बाबूराव को उनको खोया हुआ बेटा और पिताजी मिल ही गए साईं। लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं होते।
साई, साई क्या हुआ, इतनी तेजी से कहां जा रहे आप? मालसापति जी के घर। तुम अप्पा माधव राणो जी सबको लेकर उनके घर पहुंचो। मलहारी को हमसे छीन लिया साई, हमारा मलहारी हमें सदा के लिए छोड़ के चला गया साई। हम सब लोग यही थे, इतनी बड़ी घटना घट गई फिर भी हम में से किसी को भी पता नहीं चला। ये सब साई के लौटने के जस्ट के बाद हुआ। पार्वती, 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 साई लौटा है, मेरी तपस्या सफल हुई। आज रात में मारुति मंदिर में साई के नाम की पूजा करूंगा और प्रसाद में मुझे सूखे मेवे और मावे के लड्डू बनवाने हैं। तुम्हारी थोड़ी मदद लगेगी। क्यों नहीं, आप जाकर गुड़ ले आइए, तब तक मैं ये मेवे कूट देती। अवश्य। पूजा करने चले गए लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रसाद बनने के बाद कुछ मेवे बच गए थे जिन्हें मैं अंदर रखना भूल गई। मल्हारी को प्यास लगी थी तो उसने मुझसे कहा कि वो घर से पानी पीकर आ रहा है।
पता ही नहीं था कि घर आने के बाद उसने सारे बादाम खा ली। अगर हमें पता होता तो हम तुरंत उसे साई के पास ले आते। उस दिन जब हम पूजा करके घर वापस लौटे, सब थके हुए थे, इसलिए आते ही हम सब सो गए। आधी रात को मुझे बहुत गर्मी लगने लगी, मेरा पूरा शरीर पसीने में तर बतर हो गया। मेरी आंखें खुल गई और मैं खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था, सांसें रुक चुकी थी। नींद में चंद्रा को प्राप्त हो गया था। और हम सब सुख की नींद लेते रहे। शायद उसने मदद के लिए हम सबको पुकारा होगा। शायद वो तलब कर हमें पुकार रहा होगा, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। मेरा मल्हारी चला गया और मैं सोता रहा। अब्बा जी, पता नहीं मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में होगा, कितना तड़पा होगा वो। कितना बेबस होगा वो, हमें पुकार रहा होगा। हम सोते रह गए। उसकी मदद नहीं कर पाए। मालसापति जी, आपने इतना सब कुछ अकेले क्यों किया? आप हम में से किसी को भी बता सकते थे। क्या हम सब आपका परिवार नहीं है? हम खुद संतने में थे अब्बा जी, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और वैसे भी हारी तो चला गया था। अगर मुझे थोड़ी सी भी आशा होती ना, तो मैं उसे साई के पास अवश्य लेके जाता। और इसीलिए हमने रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके अस्थि विसर्जन के लिए चले गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा हमारे मल्हारी के साथ ऐसा कुछ होगा। कितना मासूम था, कितना भोला था। मुझे पूछना है उस भगवान से कि क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा। इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी बिता दी उनकी पूजा में, और मेरा छोटा मल्हारी वो भी इनकी सेवा पूजा करता था, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। साई, साई आप तो
आपके पास तो हर प्रश्न का उत्तर, तो बताइए ना मुझे कि मेरे मल्हारी को मौत क्यों आई? उसकी उम्र ही क्या थी साईं, और वो भी कैसी मौत, जहां ना उसे कोई पानी पिलाने वाला था ना ही कोई उसका हाथ थामने वाला। ऐसा क्यों हुआ साईं मेरे बेटे के साथ, बताइए मुझे, जवाब दीजिए साईं मुझे, बताइए ना क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ ऐसा, क्या बाप किया था मल्हारी ने साईं जो उसके साथ ऐसा हुआ, बताइए साईं जवाब दीजिए, जवाब दीजिए साईं। जवाब दीजिए मेरे सवालों का सही जवाब दीजिए।